हमारा नाम है अब्दुल समद। समद साहब कैसा काम है और टूरिस्ट काम? यहाँ पर कुछ नहीं है। हम 2019 और 2020 ये दोनों साल हमारा ख़त्म हो गए हैं। हमारा गुजारा चलता रहा 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद यहाँ पर हमको यहाँ टैरन मिलता है, फिर हम कमाता है। हमारे घर में बीमारदारी है, दवा के पूरा यहाँ पर कुछ हमको आता नहीं है। किस तरह अपना घर फिर चलाते हो? क्या करेंगे अभी यहाँ पर, समझो आप, हमको यहाँ गवर्नमेंट ने वो 5-5 किलो चावल दिया है 2-4 महीने को, फिर उससे क्या बनेगा? बाकी जो अखराजात है वो चलता नहीं। हमारा क्या गुजारा करता है? मजदूरी कोई अदा करता है, आधा ये चलाता है शिकार हम कर, इसके बाद गुजारा हमको 2 साल से चलता नहीं। इससे पहले टूरिज्म यहाँ पर टोटल कुछ नहीं है, 0 पॉइंट है यहाँ पर टूरिज्म। अगर हम बात करें टूरिज्म को डेवलप करने की बात चल रही है तो आप बोलते हो टूरिस्ट नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। आप देखते ना, कोई यहाँ कश्मीरी लोग ही थोड़ा यहाँ पर घूम रहा है, उसीलिए हम गुजारा पर करता है। बाकी जो टूरिस्ट हैं 2019 से 2020 भी खत्म हो गए हैं। ये 2 साल हमको यहाँ पूरा मुसीबत करना पड़ा है। गवर्नमेंट क्या होती है, 3,000 रुपया उसको उसमें दिया है टोटल पिछले साल से। 2 साल में क्या बनेगा 3,000 में क्या बनेगा उसमें? आपकी एसोसिएशन क्या बता रही है? एसोसिएशन लड़ रहा है क्या गवर्नमेंट बताओ हमको कुछ इमदाद को, हमको यहाँ पर हम बेकार बैठा है, यहाँ पर कुछ गुजारा चलता नहीं है, वो भी कोशिश करता है। कितने टूरिस्ट इस वक्त आ रहे हैं? टूरिस्ट यहाँ पर खास कुछ नहीं है, क्या है उका दुका चल रहा है। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या रहेगा? आप देखेंगे आगे मार्च में क्या होगा। ये 2-3 महीने यहाँ पर मुसीबत है, अभी यहाँ पर विंटर आने वाला, बर्फ पड़ने वाला है, ये बहुत मुसीबत है। 2-3 महीने अभी है, जनवरी फरवरी मार्च के बाद ज्यादा तो विंटर्स में ही टूरिस्ट का ज्यादा, मगर आता है। हम बोलते हैं जो पिछले साल दफा 370 का मामला हो गया है, अब इस साल कोविड हो गया है, तो ये दोनों साल खत्म हो गए हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम बताइए। गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, कितना टूरिस्ट का फ्लो आज यहाँ पे देखने को मिला? टूरिस्ट उतने नहीं, टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, उसकी बहुत वजह है। एक तो श्रीनगर में बर्फ नहीं पड़ी है, दूसरी बात जो अभी कोविड का मसला है उसकी वजह से भी नहीं आ रहे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक समझो टूरिस्ट खाली 5% है, वो भी कटरा से यहाँ आ रहे हैं टूरिस्ट, जो कटरा थ्रू नहीं आ रहे टूरिस्ट, कटरा वाला थोड़ा हेल्प कर रहे हैं वहाँ से वो यहाँ आ रहे हैं, बाकी उतने टूरिस्ट नहीं। ले खाली, आप खुद देखो ले खाली है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर चाहती है कि टूरिज्म डेवलप करेंगे, लेकिन आप बोलते हैं जब तक तो कोविड वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक टूरिस्ट। देखिए ये सीधी बात है, गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर आप गवर्नमेंट मुझे बोलेगी आप यहाँ से दिल्ली जाओ, मैं जाऊँगा जब तक मुझे अपनी सेफ्टी नहीं मिलेगी। सवाल सेफ्टी का ही होता है, जब तक वैक्सीन नहीं निकलेगा तब तक समझो मुश्किल है टूरिस्ट यहाँ आना। कितना नुकसान हो गया आपका सर? आप देखो अगस्त से अभी तक बैठ के हैं हमें नहीं, शिकारे वाले नहीं, हाउस बोट वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, जो भी इनके साथ वाबस्ता है वो सब बैठ के हैं। अभी हमारी बात कुछ शिकारा वालों से हो गई यहाँ पे, तो वो बोलते हैं कि हमारे घर का रोज़गार नहीं चल, बिल्कुल नहीं चल रहे। अब किसको बताएंगे? सड़क पर मत बताएंगे लोगों को हमारे घर में शाम को खाना नहीं बनता है, हाउस बोट वाले सड़क पर मत निकलेंगे हमारे घर में खाना नहीं बनता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने बोला था बिजली का बिल माफ़ कर, कहाँ माफ़ किया, कौन सा बिल माफ़ किया है गवर्नमेंट ने आपकी? कोई मदद की? कोई मदद अभी तक नहीं, खाली 1,000 रुपया डाला गया, वो भी उसमें भी 50% लोगों को मिला है, 50% लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। बोल रहे ट्रेजरी में गए थे हम डायरेक्टर टूरिज्म के पास, वो बोल रहे ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है। क्या 35A की बात करें, 35A से लेके अभी तक जब से आर्टिकल 370 टूटा गया तो तब से लेके टूरिज्म पूरा ठप है, इसके ठप है, बिल्कुल ठप है टूरिज्म। वही टूरिस्ट आ रहा है, उक्का दुक्का टूरिस्ट आ रहा है, आप खुद देख रहे हैं अभी।
आपको क्या लगता है किस रीजन से पैंतीस से हट गया या कोविड की वजह से हो गया? नहीं नहीं, देखो जब यहाँ हालात खराब तब भी टूरिस्ट आते थे, क्योंकि टूरिस्ट को भरोसा है हम कश्मीर में सेफ है, लेकिन कोविड की वजह से बिल्कुल समझो ना के बराबर है। तो क्या रहेगी आपकी लास्ट में जनरल अपील एक गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मैं फिर से अर्ज करूंगा, आपके लोग अभी कह रहे थे कि हम गुजारा कर रहे हैं 50 रुपये पे, बिल्कुल तो आपकी तरफ से क्या, आपकी एसोसिएशन इसमें क्या कर रही है? हमारी एसोसिएशन शिकारा एसोसिएशन है, हाउस बोट एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन, हमने ऑलरेडी हम जा चुके हैं डायरेक्टर टूरिज्म के पास भी जा चुके हैं, उनको हमने अपनी दलीलें बताया, लेकिन कोई मदद वहाँ से मिल रहा है नहीं। हम अपील कर रहे हैं आप बचाओ टूरिज्म को, आप टूरिस्ट को छोड़ो, अब जो टूरिस्ट के साथ वाबस्ता है उनको बचाओ, हाउस बोट को बचाओ, शिकारों को बचाओ, होटल खस्ता हो रहा है, शिकारा खस्ता हो रहा है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने कोई हेल्प नहीं की है। देखिए मेरे पास शिकारा जब एक टूटेगा इसको ये 2 लाख में बनता है, जब 2 लाख नहीं शिकारा कहाँ से, हाउस बोट 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, जब वो टूटेगा वो कहाँ बनाएगा? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं फौरन इसके ऊपर आप करो कुछ। चलिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। गुलाम नबी शेख। शेख साहब क्या इस वक्त टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, क्या इस वक्त आता ही नहीं टूरिस्ट? 2 साल हो गया और गवर्नमेंट ने बताया, मोदी जी ने बताया टूरिस्ट आएगा, हम मदद करेगा, क्या मदद करेगा, दिन को कमाता है 50-60 रुपया और घर के बाल बच्चों कैसे पढ़ाता है, हम वो घर कैसा चलता है, अपना पेट भी पूरा नहीं। तो किस तरह आपका गुजारा चलता है? कर्जा लेता है, दुकानदारों भी कर्जा है अभी। तो क्या लगता है आपको, क्या टूरिज्म आएगा यहाँ? वो मोदी जी का पता है टूरिज्म यहाँ भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अगर हम कोविड से पहले बात करें तो 35 से 370 से पहले बात करें तो कितना टूरिस्ट यहाँ पे आया था? उससे पहले बहुत आता है, उससे रोजगार चलाता बहुत अच्छा चलता है यहाँ रोज। जब ये 370 हटाते हैं ना या 35, तब से वो सब काम खत्म हो। कोविड की वजह से कितना नुकसान हो गया टूरिज्म में? बहुत। कोविड की वजह से ज़्यादा नुकसान हो गया कि 370? दोनों का नुकसान हो गया। उससे पहले काम बहुत अच्छा था? हाँ, उससे पहले 370 हटने से पहले काम अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि आप तो 50-60 रुपया दिन को कमाते हैं, 150 रुपया, तो क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, टूरिज्म यहाँ भेजेगा तो हम रोज़गार अच्छा चलेगा या हमारी मदद? वो हमारी या तो दूसरी बात हमारी मदद करेगा, शिकारों वालों को मदद करेगा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब कैसा रहा, क्या बताएंगे, टूरिस्ट का फ्लो कितना है? बिल्कुल कुछ नहीं, कम से कम 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं इधर। आज इधर बेकार है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल। तो 50-60-70 रुपया बस, इतना 40-30 रुपया कमाए थे बस, 1.5 लाख बहुत शिकारा बनता है। तो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रही है कि कुछ नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। बिल्कुल, उसको कम से कम बुरी डोरा हुआ, 1.5 साल हो गया। अगर 1.5 साल हो गया टूरिस्ट फ्लो नहीं है तो आप अपना रोज़गार कैसे चलाते हैं? बस ये 40-50 रुपया कमाता है, उसमें आपका रोज़गार चलता है। बस। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या रहेगी जो बाहर के यहाँ पे लोग आते हैं विंटर्स में यहाँ पे देखने, चाहे चलो कोविड की बात हो गई, कोविड में तो कोई नहीं आया, तो आपकी तरफ से टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगी, अपील क्या रहेगी? पता नहीं, वो तो कश्मीरी इधर आता जाता है बस, बाकी कुछ नहीं। टूरिस्ट देखने नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल रशीद कोलू है, मैं जनरल सेक्रेटरी कश्मीर हाउस बोट ओनर एसोसिएशन। सर अगर हम आज की बात करें तो कितना फ्लो है टूरिस्ट का? नहीं, हमारे हाउस बोट में तो 0 फ्लो है। अभी हमने पिछले 1 महीने से अपना एयरपोर्ट चालू किया तो हमारे 2 कस्टमर बुक हुए, वो भी एक एक रात के लिए, तो दूसरे दिन उन्होंने अपना रुख किया है गुलमर्ग और पहलगाम की तरह। तो क्या लगता है सर, 35 ए हो या कोरोना वायरस हो, तब से लेके अभी तक टूरिस्ट नहीं है, क्या लगता है? ये तो ऑब्वियसली 2019 में जो 5 अगस्त से जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की गई कि जो भी टूरिस्ट कश्मीर में है वो वापस अपने अपने स्टेट में जाए या अपने अपने कंट्रीज में जाए। अभी हमने शिकारों वालों से बात की तो उनका कहना है कि हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। देखिए ये बात तो है, इसके सिवा हमारा कोई और कोई दूसरा बिजनेस है ही नहीं।
हमारी जो फैमिली है, हमारा जो वो इसी के ऊपर डिपेंड है, खाली टूरिज्म के ऊपर। ना ही हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, ना ही हमारे तरीके से किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद आ रही है। हमने 12 गवर्नमेंट से यही गुजारिश की कि एक बेल आउट पैकेज अनाउंस कीजिए जिससे हमारे हाउस बोट बच जाए। आज अब दिन भर आप देख रहे हैं, दिन ब दिन हमारे हाउस बोट डूबते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने उन जो इसका हल पोर्शन है, बॉटम जिसको कहता है, उसमें एक घास लगता है, कोरिंग जिसको कहते हैं, कॉकिंग, वो हमने नहीं की है। और जो उसकी लकड़ी है, देवदार की लकड़ी, वो बहुत ही महंगी है, बाज़ार में 5,000 के करीब वो एक फुट मिलती है। जो हमारी सकत नहीं है, उसकी वजह से हमारे हाउस बोट्स डूबते जा रहे हैं और हमारे परेशानियों का कोई इजाला गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं हुआ। 2019 से लेकर आज तक कितना नुकसान है टूरिज्म का? देखिए, हमने तो कम से कम 150 करोड़ का नुकसान गवर्नमेंट के नोटिस में ऑलरेडी लाया है। वो रिटन है, चाहे स्टेट हो तब और यूटी अब से बन गई, कई जगह पर हमने वो अपने फिगर्स उनको दे दिए हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है इस कोविड और एडवाइजरी की वजह से। अगर सर हम बात करें 2019 से कोविड-19 की, तो यहाँ से गवर्नमेंट दावे करते हैं टूरिज्म को डेवलपमेंट करने की, तो कैसे टूरिज्म डेवलपमेंट होगा? इतना नुकसान आप 1.5 करोड़ बता रही है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, जो हमारे जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो तो वहीं की वहीं है, पिछले 2 साल से उनको देखा नहीं गया है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट कैसे करेंगे? अभी हालात ऐसी है कि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है, पूरे देश में इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जैसी सूरत हाल है। हर एक कोई चाहता है जो एक जगह से दूसरी जाए, आराम से रहे। हमारे यहाँ स्टेट का ये हाल, हमारे शाम के 8-7 बजे से पूरा अंधेरे में गुप्त रहता है। अगर टूरिस्ट यहाँ पर आए तो वो शाम के वक्त कहाँ जाए? ये बेसिक ज़रूरत है, रोड्स है, कनेक्टिविटी है, इसमें चाहे शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, घोड़े वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, जब टूरिस्ट आ जाए वो तो आएंगे आए, लेकिन हालात फाइनेंशियली अभी मुल्क की हालत ख़राब है। मेरे ख्याल से जो भी आएंगे वो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होगी और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, वो आएंगे। जो हमारा मिडिल क्लास है वो अभी क्रैश है, हमें लगता है कि बहुत ही डार्क दिखता है आगे। सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, अगर हम बात करें एक्स स्पोक्समैन बीजेपी के जो शाहनवाज साहब है, तो उन्होंने परसों बोला था कि टूरिज्म को हम यहाँ पे इतना डेवलप करेंगे, इतना मतलब यहाँ पे जॉब्स हरे को मिलेंगे, लेकिन अब अपने जो ग्रीवेंस बोलते हैं, अपनी मसाइल बोलते हैं, जो वो हल ही नहीं होते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं ये उन्होंने बयान दिया, बयान तो देते जाए, बैठ तो दिए जा रही है, हम उसे कह रहे जो अभी इसमें इन्वॉल्व है, पहले तो उनको बचाओ। जो ये छोड़ रहे हैं, ये बेचारे अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, हमारे बोट्स डूब रहे हैं, पहले उनको तो बचाओ, फिर नए जब आएंगे तो तब वो इसमें इनफ्लो होगा। आप अगर 80 की बात करें, नंबर 1 डेस्टिनेशन ये वो पूरे दुनिया में कश्मीर था, जो हमारा लोगो है, ये उसी वक्त जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का लोगो है, उसमें एक माउंटेन है और एक शिकारा है, वो 77 में गवर्नमेंट हमारी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को मिला था, कि हमने फॉरेनर्स और इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ लाया था, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे वाटर ट्रैकिंग हो, माउंटेनियरिंग हो, यहाँ का साइट सीन हो, वो हमने उस वक्त कोशिश की थी, लेकिन हालात ख़राब हुए, उसकी वजह से एडवाइजरी लगाई गई, डिस्टर्बड एरिया लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का आना नहीं चाहते, वो कहते वहाँ पर खतरा है, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरा इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। आपकी मुश्किल में डायरेक्टर टूरिज्म का रोल कैसा है? हमारी मुश्किल का सबसे तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, क्योंकि जो भी हमारे मसाइल हैं वो हम अपने डायरेक्टर साहब के यहाँ पेश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है, हम अपने मसाइल पहुँचा रहे हैं डायरेक्टर साहब से, आगे वो जाते भी है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, हमारे मुश्किलात का कोई अजाला नहीं होता है, जिसकी वजह से हम बदजन हो गए इन गवर्नमेंट के आश्वासनों से और इनकी जो बड़े बड़े तकरीर होती है। हम कह रहे हैं हमें बचाओ, ये फ्रिंज पर है हाउस बोट इंडस्ट्री, ये एक फ्रेजाइल प्रॉपर्टी है, इसमें लकड़ी लगती है, इसमें कोरिंग लगती है, ये कंक्रीट बिल्डिंग नहीं है जिसमें ताला लगाया तो आप 5 साल के बाद भी ताला खोल सकते हैं। अगर हम हाउस बोट को दिन में 2 बार नहीं देखेगा तो ये डूब जाएगा और उसके बाद हमें इसको रिपेयर करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जो भी हाउस बोट डूबता है तो परसों नोटिस आएगी कि आपका डैमेज हो गया, आपकी लाइसेंस कैंसिल हो गई। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।